आप अभी बताया कि आपने बड़ा कठिन दौर देखा, आपके मकान बिक गया था पिताजी का, ये भी मैंने सुना कि वो बिजनेस में भी फेल हो गए थे, तो बहुत कठिनाई में आप रहे, तो वो फिर कैसे निकले वहां से, इतना मोटिवेशन कैसे बना रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बड़ा पागल टाइप का बच्चा था मैं। क्लास सिक्स में हमारा घर बिका और हमको फील ही नहीं हो रहा मेरा घर बिका, हमको तो लग रहा था इस पैसे से नई साइकिल आ जाएगी। बचपन का मूव था ना। फिर जब हम लोग एक किराए घर पे गए, एक स्लम में रहने को हम लोग पड़ा, तो जब स्लम के अंदर गए किराए वो पतली सी गली, तो हमको समझ में आया कि यार दिक्कत हो गई है घर पे ज्यादा। अब फिर नेक्स्ट ईयर से पापा के जो घर बेच के पैसा पापा ने बिजनेस किया वो भी नहीं चला। फिर नेक्स्ट ईयर से ये हुआ कि ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा भाई, तुम लोग स्कूल से नाम कटेगा, ये सब जब बातें, तो हमको समझ आया सीरियस हो गया। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर हम साइकिल से जाते थे लोगों घर ट्यूशन पढ़ाने कोचिंग के बाद, स्कूल के बाद। थिंक वो एक जर्नी थी जो चली, और उसमें मोटिवेट किसने किया, हालातों ने किया। मतलब ये तो था कि कुछ बड़ा करना है यहाँ से, मम्मी के लिए कुछ करना है।